हिंद सभी अग्निवीरों को। तो चलिए, दोपहर के 1 बज चुके हैं और समय हो चुका है हमारा आज का इंडियन आर्मी का जीके जीएस स्पेशल क्लास करने का। आज जो है देखो, आपका अंतरिक्ष और सौर मंडल से आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। जो भी सवाल देखो आपका अंतरिक्ष से, जो भी सवाल देखो आपका सौर मंडल से पूछा जाता है, ये सारा सवाल जो है देखो आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल नया सवाल रहेगा, बिल्कुल नया क्लास रहेगा। तो चलिए शुरू करेंगे जल्दी से। सौर मंडल से जुड़ा हुआ देखो इंडियन आर्मी हर साल सवाल पूछती है। ठीक है, आप सब देखे होंगे कि पूछा जाता है सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। ये सब जो सवाल है इंडियन आर्मी देखो हर साल पूछती है और आर्मी परीक्षा में जो आपका हर साल आना ही आना है, फिक्स है। तो जल्दी से जो है, सबसे पहले तो सभी लोग का शेयर बटन प्रेस होना चाहिए। जल्दी से जो है, सबसे पहले सब लोग शेयर करिए अपने सभी दोस्तों तक, हर एक अपने दोस्त तक क्लास पहुंचाइए, जो भी अग्निवीर का तैयारी कर रहे हैं, जो भी अग्निवीर बनना चाहते हैं। इसके साथ साथ सभी लोग को लाइक बटन जरूर प्रेस कर लेना है और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सभी लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे। ठीक है, तो आज जो है, आज सुबह में देखो आपका 9 बजे जो है, आज सुबह 9 बजे जो है देखो आपका क्लास हुआ था इंडियन आर्मी का मैथ एंड रीजनिंग का। ठीक है, तो जितना भी लोग आज सुबह 9 बजे वाला मैथ एंड रीजनिंग का क्लास अभी तक भी नहीं देखे हो, जाके सबको जल्दी से देख लेना। और कल जो है देखो आपका 300 क्वेश्चन का महामैराथन टेस्ट क्लास आया था, तो अगर कल वाला भी 300 क्वेश्चन का साइंस का महामैराथन का क्लास नहीं देखे हैं तो ये दोनों क्लास सभी लोग जाके जरूर देख लेंगे। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 से जो है शुरू करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से जो है शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है यहाँ पे देखो दिया हुआ है, क्या सवाल है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। बहुत महत्वपूर्ण सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। हु प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ मोशन ऑफ द प्लैनेट्स, न्यूटन ने, केपलर ने, कॉपरनिकस ने, गैलीलियो ने। आर्मी का परीक्षा में इतना बार यह चीज आपसे पूछा गया है कि आप सब गिन भी नहीं सकते हो, हमेशा यह वाला सवाल आया है, ग्रहों की गति का नियम किसके द्वारा दिया गया, ग्रहों की जो गति का नियम है यह किसने दिया है। तो ग्रहों की जो गति का नियम है यह देखो केपलर ने दिया है। ठीक है, बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया, तो ग्रहों की गति का जो नियम है यह देखो जोहानस केपलर के द्वारा जो है दिया गया था। ठीक है, इसके साथ साथ याद रखना है इंडियन आर्मी जो है देखो आपसे पूछती है कि ग्रहों की खोज किसने की। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि ग्रहों की खोज किसने की है तो ये भी देखो केपलर ने ही किया। ठीक है, सभी को जय हिंद, सभी को जय हिंद। तो चलिए शुरुआत कर दिए हैं क्लास का, सभी लोग बने रहेंगे क्लास में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। ठीक है, हमेशा इससे सवाल आर्मी परीक्षा में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए। सौर मंडल की खोज किसने की, हु डिस्कवर्ड द सोलर सिस्टम, न्यूटन ने, केपलर ने, कॉपरनिकस ने या फिर गैलीलियो ने, निम्न में से किसके द्वारा जो है देखो सौर मंडल की खोज की गई। देखिए, आप लोग क्लास तो अटेंड करते हैं पर आप लोग शेयर नहीं करते हैं, जो कि आप लोग का सबसे गलत बात है। सभी लोग को क्लास को शेयर करना है, जो आपके लिए मेहनत की जा रही है उसको अप्रिशिएट करिए, अपने हर एक दोस्तों तक इस क्लास को पहुंचाइए, सभी को हमारी इन क्लासेस के बारे में बताइए। उसके साथ साथ सभी लोग को लाइक बटन जरूर प्रेस कर लेना है। चलो, सौर मंडल की खोज किसने की है, तो सौर मंडल की खोज जो है देखो किसके द्वारा हुई है, तो यह देखो यह कॉपरनिकस के द्वारा। ठीक है, गैलीलियो ने किसका खोज किया है, तो गैलीलियो के द्वारा, याद रखोगे गैलीलियो के द्वारा जो है देखो दूरदर्शी का, टेलीस्कोप का खोज किया गया। ठीक है, और जो न्यूटन है इसने किसका खोज किया, तो न्यूटन के द्वारा देखो बल, गति और इसके साथ साथ जो है देखो गुरुत्वाकर्षण। ठीक है, इतना चीज सबको ध्यान में रखना है, ये सब मैंने कल नोट करवा दिया था आप लोग को। ठीक है, पर क्लियर रखेंगे, सौर मंडल की खोज कॉपरनिकस ने की, गैलीलियो ने दूरदर्शी की खोज की, न्यूटन ने बल, गति और गुरुत्वाकर्षण का खोज किया और केपलर ने तो आप लोग देख लिए ग्रहों का गति नियम और ग्रहों का खोज किया। ठीक है, चलिए हो गया सबका, बढ़ते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है कि सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, ऑक्सिलरी गैस इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सन इज, यहां पे हीलियम लिखा हुआ है। ठीक है, यहां पर हीलियम लिखा हुआ है। चलिए सब कोई करेंगे और बताएंगे यहां पे कि सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सा है। ऑप्शन नंबर डी में हाइड्रोजन और हीलियम है, क्या होगा सही जवाब। सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सा होता है, किस गैस के द्वारा जो है देखो सूर्य का संगठन होता है, तो सूर्य का जो संगठन है यह देखो होता है हाइड्रोजन और हीलियम गैस से। ठीक है, याद रखना है हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस के द्वारा जो है देखो सूर्य का संगठन हुआ है। सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है, तो सबसे अधिक जो है देखो आपका हाइड्रोजन गैस जो है मौजूद होता है। ठीक है, सभी को ध्यान में रखना है सूर्य में। चलिए अगला सवाल भी बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो दिया हुआ है कि सूर्य के धरातल का तापमान लगभग कितना होता है, व्हाट इज द एप्रोक्सीमेट सरफेस टेंशन ऑफ द सन। 3000 डिग्री सेल्सियस, 5000 डिग्री सेल्सियस, 4000 डिग्री सेल्सियस या फिर 6000 डिग्री सेल्सियस, क्या होगा सही जवाब। सूर्य के धरातल का जो तापमान है यह कितना होता है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब सबको आना चाहिए, तो सूर्य के धरातल का जो तापमान है यह देखो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, डी वालों का जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। डी वालों का जो आंसर है बिल्कुल सही आया है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही।
चलिए अगला सवाल पे बढ़ते हैं। 5 नंबर सवाल देखो आपको आज का क्या मिला हुआ है कि निम्न में से कौन सा एक तारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टार, चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी या फिर सूर्य, निम्न में से क्या है जो कि एक तारा है। सभी लोग को जो है देखो इस क्लास का जो PDF है ये टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो सबको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक देखो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर जो है देखो सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी लोग को जो है टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ना है, वहां पर आपको क्लास का PDF मिल जाएगा। निम्न में से कौन एक तारा है, तो यह है देखो सूर्य, जो सूर्य है यह देखो एक प्रकार का तारा है। ठीक है, डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, डी वालों का आंसर बिल्कुल सही आया है, बहुत अच्छा, जितना भी लोग डी की हो बिल्कुल सही बता रहे हो, बिल्कुल सही। अब मुझे लगता है कि जितने जैसे अभी सबका सही हो रहा है ना, ऐसा ही जो है देखो आज पूरा का पूरा सबको सही करने वाले हो, क्योंकि ये वाला टॉपिक लगभग आप सब बहुत बार पढ़े हैं, बहुत बार ऐसा ऐसा सवाल आप सब कर चुके हैं। चलो अगला सवाल है देखो कि सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है, शुक्र या फिर बुध या बृहस्पति या फिर अगला है देखो वरुण। सूर्य के सबसे दूर ग्रह कौन सा है, निम्न में से वह कौन सा ग्रह है जो कि सूर्य का सबसे दूरी पर स्थित है। सभी लोग दोपहर 1 बजे जो है देखो इंडियन आर्मी का जीके जीएस का क्लास आता है जो कि अभी टॉपिक वाइज चल रहा है, और रोज शाम 7 बजे जो है देखो हम लोग इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर बनाते हैं। ठीक है, तो 9 बजे जुड़ना है मैथ एंड रीजनिंग के लिए, 1 बजे जीके जीएस के लिए और शाम 7 बजे ओरिजिनल पेपर के लिए, ये तीनों क्लास में सबके जरूर जुड़ेंगे। तो सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, तो यह देखो वरुण है या देखो नेपच्यून है। ठीक है, ध्यान में रखना है, और इसके साथ साथ कुछ चीज याद रखिएगा, आपसे देखो पूछा जाता है इंडियन आर्मी के द्वारा कि बौना ग्रह किसको कहते हैं, तो बौना ग्रह के नाम से जो है देखो जानते हैं प्लूटो को। ठीक है, सबको याद रखेंगे बौना ग्रह किसको कहते हैं, तो बौना ग्रह जो है यह देखो प्लूटो को बोला जाता है। चलिए चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो यहां पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको दिया गया है, अगला सवाल मिला है आपको कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है, मंगल है, बुध है, शुक्र है या फिर पृथ्वी है, वह कौन सा ग्रह है जो कि सूर्य के सबसे नजदीक होता है, सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन सा है, सूर्य का सबसे नजदीक कौन सा ग्रह है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब जो है सबको देंगे और बताएंगे, सूर्य के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, क्या होगा सही जवाब, तो सूर्य का जो सबसे नजदीक ग्रह है यह देखो बुध होता है। ठीक है, बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ ध्यान रखना है, अगर पूछा जाएगा कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह भी बुध ही है, सबको ध्यान में रखिएगा, सूर्य का सबसे नजदीक और सबसे छोटा ग्रह, और सूर्य का परिक्रमा सबसे कम समय में करने वाला, ठीक है, और सूर्य का परिक्रमा सबसे कम समय में करने वाला ग्रह भी बुध ही है, सबको ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखो क्या दिया है कि सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है, मंगल है, बुध है, शुक्र है या फिर पृथ्वी है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर कौन सा ग्रह लगाता है। अभी भी मैंने सबको नोट करवाया, अभी जो है मैंने सबको नोट करवाया है। चलिए बिल्कुल सही, सबको का जवाब यहां पर आना चाहिए, क्या हो जाएगा सही जवाब, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर किस ग्रह के द्वारा लगाया जाता है, सबसे तीव्र गति से जो है देखो सूर्य का चक्कर कौन सा ग्रह लगाता है, क्या आंसर कर रहे हैं सब कोई, तो जिनका भी आंसर देखो बी को गया है, लगभग सबको बी कर दिया है, बहुत बढ़िया, बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, बी वालों का आंसर बिल्कुल बढ़िया आया है, बहुत सही। चलो अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल देखो क्या दिया है, यह क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिला हुआ है, यह सवाल है आपका कि पृथ्वी की बहन कौन सी ग्रह है, विच प्लैनेट इज द सिस्टर ऑफ अर्थ, बुध, शुक्र, मंगल या फिर बृहस्पति। चलिए देखते हैं किसका किसका जवाब आता है, कौन कौन है जो कि सही करते हैं, पृथ्वी की बहन कौन सी ग्रह है, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहा जाता है, पृथ्वी का बहन के नाम से किस ग्रह को जानते हैं। चलो जल्दी से जो है सबका जवाब आना चाहिए, ठीक है, गलती नहीं करेंगे कोई भी, जल्दी से बताएंगे, फटाक से बताएंगे, पृथ्वी की बहन किस ग्रह को कहते हैं, क्या होगा सही जवाब, तो पृथ्वी की बहन जो है देखो कहते हैं शुक्र ग्रह को, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही सबका जवाब आया है, बी के हैं सबको, बहुत अच्छा, बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो 10 नंबर सवाल है देखो आपका, आइए यह आपको दिया गया है कि किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, विच प्लैनेट इज कॉल्ड इवनिंग स्टार, बुध को, शुक्र को, मंगल को या बृहस्पति को, वह कौन सा ग्रह है जिसको देखो शाम का तारा बोलते हैं, शाम का तारा के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है, विच प्लैनेट इज कॉल्ड इवनिंग स्टार, शाम का तारा जो है जो शाम में सबसे अधिक चमकता है वह ग्रह कौन सा है, शाम का तारा किस ग्रह को कहते हैं। चलिए देखते हैं किसका जवाब आता है, क्या आंसर कर रहे हो आप सब, किसका किसका आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही जो है सब को करना और बताना है, तो शाम का तारा जो है यह देखो कहते हैं शुक्र ग्रह को। ठीक है, जितना भी लोग का जवाब ऑप्शन बी को गया है ना, बिल्कुल सही किया है, बहुत अच्छा, बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया।
चलो अगला सवाल देखते हैं। 11 नंबर सवाल यहां पर देखो क्या दिया गया है कि निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे चमकदार ग्रह है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ब्राइटेस्ट प्लैनेट, बुध, शुक्र, मंगल या फिर बृहस्पति। निम्न में से वह कौन सा ग्रह है जो कि देखो सबसे चमकदार ग्रह है। निम्न में से सबसे चमकदार ग्रह के रूप में हम लोग किसको जानते हैं, क्या होगा सही जवाब। चलिए बिल्कुल सही सब लोग करेंगे और बताएंगे, जल्दी से बताइएगा। तो जो सबसे चमकदार ग्रह है यह देखो शुक्र होता है, ठीक है। बी सबका आया है, बहुत बढ़िया, बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है। इसके साथ साथ अगर आपसे गर्म ग्रह भी पूछेगा तो गर्म ग्रह भी आपका कौन है, तो यह आपका शुक्र ही है, ठीक है, सबको ध्यान में रखना है। चलो चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल जो है यह देखो दिया है यहाँ पे कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। देख रहे हो जो भी सवाल नोट करवा रहा हूँ वही सवाल देखने को मिल रहा है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्मी का पेपर में हमेशा आया है, समझना कि MVVI है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो यह देखो शुक्र होता है, ठीक है। बी वालों का जवाब बहुत बढ़िया आया है, बहुत अच्छा, बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल देखेंगे, यह देखो आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे, सवाल देखो आपको दिया गया है कि पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है। बुध है, शुक्र है, मंगल है या फिर बृहस्पति है। पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है, चलिए क्या होगा सही जवाब। पृथ्वी से सबसे निकट दूरी पर स्थित ग्रह कौन सा है, वह कौन सा ग्रह है जो कि पृथ्वी के सबसे निकट है, क्या होगा सही जवाब, जल्दी से सबको करना है और बताना है। पृथ्वी से सबसे निकट दूरी पर कौन सा ग्रह है। अगर आपने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया तो बताओ, इतना बेहतरीन क्लास हो रहा है, इतना अच्छा टॉपिक पढ़ रहे हैं, जल्दी से कोई लाइक कीजिए। सभी लोग अपना अपना लाइक बटन जल्दी से दबा देंगे। जितना भी लोग अभी तक शेयर नहीं किए हो क्लास को, जल्दी से जो है सबको शेयर करना है, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाना है। और जो भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जल्दी से ऑल पर सेट करिए। पृथ्वी से सबसे निकट दूरी पर जो स्थित ग्रह है यह देखो शुक्र है। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है यहाँ पर। अगला सवाल देखो आपको मिला हुआ है, सवाल है कि किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। विच प्लैनेट, क्या दिया हुआ देखो, विच प्लैनेट इज कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार, बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति। वह कौन सा ग्रह है जो भोर का तारा कहलाता है। भोर का तारा जो है देखो किस ग्रह को बोलते हैं, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, क्या होगा सही जवाब। चलिए बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए सबका। भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं, तो यह देखो कहते हैं शुक्र ग्रह को, ठीक है। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर देखो आपका। 15 नंबर सवाल है, यह देखो दिया गया है कि सौंदर्य का देवता किस ग्रह को कहा जाता है। बुध को, शुक्र को, शनि को या फिर बृहस्पति को। वह कौन सा ग्रह है जो कि देखो सौंदर्य का देवता कहलाता है। किस ग्रह को जो है हम लोग सौंदर्य का देवता बोलते हैं। चलिए बिल्कुल सही सब लोग जवाब दीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल सही जो है सब लोग को जवाब देना है और बताना है। सौंदर्य का देवता जो है किस ग्रह को कहा जाता है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, चलिए बताएंगे सभी लोग। तो सौंदर्य का देवता जो है यह देखो कहते हैं शुक्र ग्रह को, ठीक है। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। सौंदर्य का देवता जो है देखो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया है, यह क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिला है। सवाल है देखो आपका ये कि पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति में चक्कर लगाती है। 5 डिग्री प्रतिदिन, 2 डिग्री प्रतिदिन, 1 डिग्री प्रतिदिन या फिर 3 डिग्री प्रतिदिन। जो पृथ्वी है यह सूर्य के परितः अपनी कक्षा में किस गति से चक्कर लगाता है, कितना डिग्री जो है देखो पृथ्वी घूम जाता है एक दिन में, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब सबकी कहना चाहिए। जो पृथ्वी है, जो आपकी अर्थ है, ये एक दिन में कितना डिग्री रोटेट हो जाती है, तो यह देखो होती है 1 डिग्री, ठीक है। सूर्य का 1 डिग्री जो है देखो ये रोटेट होता है। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल देखो दिया हुआ है आपको, यह क्वेश्चन है यहाँ पर आपका। क्या दिया गया है कि पृथ्वी के भ्रमण की गति कितनी है। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ अर्थ रोटेशन। 27 किलोमीटर प्रति मिनट, 31 किलोमीटर प्रति मिनट, 25 किलोमीटर प्रति मिनट या फिर 39.5 किलोमीटर पर मिनट। पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है, पृथ्वी जो है किस गति से चक्कर लगा रही है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए। तो ये वाला सवाल जो है देखो आपके लिए आज का होमवर्क रहेगा। इसका जो जवाब है देखो सब लोग करेंगे और बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि इस सवाल का सही जवाब क्या है, ठीक है। बिल्कुल सही जो है सब लोग जवाब देंगे और बताएंगे। इसका जवाब जो है देखो सबको कमेंट बॉक्स में करना है और बताना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो यहाँ पर क्या है, ये आपको दिया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको मिला है कि पृथ्वी की उपसौर स्थिति किस महीने में होती है, जून में, जनवरी में, सितंबर में या फिर मार्च में। पृथ्वी की जो उपसौर स्थिति है ये किस महीना में होता है। उपसौर स्थिति का मतलब होता है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक, सबसे दूर जो है कब होता है, पृथ्वी की उपसौर स्थिति कब आती है, जब पृथ्वी जो है सबसे दूर कब हो जाता है। चलिए बिल्कुल सही जवाब सभी को यहाँ पर देना है और बताना है। तो पृथ्वी की जो उपसौर स्थिति है यह देखो आती है जनवरी महीने में, ठीक है, जब इसी वजह से ठंड ज़्यादा पड़ता है, जनवरी महीने में जो है देखो पृथ्वी की उपसौर स्थिति होती है। चलिए अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो आपको दिया हुआ है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। जो पृथ्वी है यह अपना अक्ष पर कैसे घूमती है, जो पृथ्वी है यह देखो अपना अक्ष पर किस दिशा में घूमती है, क्या होगा सही जवाब। चलिए बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए। तो जो पृथ्वी है यह देखो अपना अक्ष में घूमती है पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर, ठीक है, जब पश्चिम से पूर्व घूमता है इसी वजह से जो आपका सूर्य पूर्व दिशा से बाहर आता है। चलिए बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो यहाँ पर 20 नंबर सवाल है। 20 नंबर सवाल आपको क्या दिया गया है कि आकाश की दृष्टि से, आकार के दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है, तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर छठा। आकार की दृष्टि से जो है देखो सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है। अगर आकार के बेस पर देखेंगे तो साइज के अनुसार पृथ्वी का जो है देखो सौर मंडल में कौन सा स्थान है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब सबको आना चाहिए, गलती नहीं करेंगे, जल्दी से जो है सबको बताएंगे। आकार मतलब किस साइज के अनुसार पूछा है, ठीक है, चलो करो और बताओ जरा क्या होगा सही जवाब। तो आकार के अनुसार, साइज के अनुसार जो पृथ्वी है यह देखो पांचवां सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, सी पांचवां जो है आपका देखो सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल जो है यह देखो दिया हुआ है आपका 21 नंबर सवाल है, नीला ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है, विच प्लैनेट इज नोन एज ब्लू प्लैनेट, मंगल, शुक्र, पृथ्वी या फिर वरुण। नीला ग्रह के नाम से किस ग्रह को जानते हैं, नीला ग्रह जो है देखो किस ग्रह को कहते हैं, क्या होगा सही जवाब। चलिए बिल्कुल सही सबको का जवाब आना चाहिए, नीला ग्रह के नाम से जो है किस ग्रह को जाना जाता है, नीला ग्रह जो है किस ग्रह को कहते हैं, क्या होगा सही जवाब। चलो देखते हैं किसका इसका जवाब आता है, बिल्कुल सही जो है सब लोग को बताना है, नीला ग्रह के नाम से किस ग्रह को जानते हैं, तो नीला ग्रह जो है यह देखो कहते हैं पृथ्वी को। बहुत बढ़िया, सी वालों का जवाब बिल्कुल सही आया है, बहुत अच्छा, सी जितना भी लोग किए हैं बिल्कुल सही बताए हैं, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखिए आपको दिया गया है कि पृथ्वी और सूर्य के बीच न्यूनतम दूरी कब होता है, 22 दिसंबर, 21 दिसंबर या फिर आपका 22 सितंबर, आगे देखो दिया हुआ है 3 जनवरी। पृथ्वी और सूर्य के बीच जो है न्यूनतम दूरी कब होती है, मिनिमम डिस्टेंस जो है देखो पृथ्वी और सूर्य के बीच कब आता है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब सब को करना और बताना है यहाँ पर, पृथ्वी और सूर्य के बीच जो है न्यूनतम दूरी कब होती है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच जो न्यूनतम दूरी है यह देखो हो जाएगी 3 जनवरी को। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, 3 जनवरी को जो है देखो ऐसा होता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका कि पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होता है, व्हेन इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ, क्या होगा सही जवाब। 4 जुलाई को, 21 जून को, 22 सितंबर को या फिर 3 जनवरी को। पृथ्वी और सूर्य के बीच जो है अधिकतम दूरी कब आता है, पृथ्वी और सूर्य के बीच जो है अधिकतम दूरी कब होता है, सूर्य के बीच जो है अधिकतम दूरी मैक्सिमम डिस्टेंस कब आता है। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच जो मैक्सिमम डिस्टेंस है यह देखो होता है 4 जुलाई के दिन। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए बढ़ेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है, क्या सवाल है आपका कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, विच इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ, आर्यभट्ट, रोहिणी, चंद्रमा या फिर मंगल। पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, निम्न में से जो है देखो आपका पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन होगा, पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह के रूप में जो है किसको जाना जाता है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। बिल्कुल सही जो है सबकी को जवाब देना और बताना है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है यह देखो आर्यभट्ट है। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है यह देखो आर्यभट्ट नहीं, ये पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह था, नोट करना, ये जो है देखो आपका पृथ्वी का पहला कृत्रिम उपग्रह हुआ था, ठीक है। तो आर्यभट्ट नहीं होगा इस सवाल का जवाब में, जो है आपका आर्यभट्ट नहीं है, सही जवाब है देखो चंद्रमा, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है यह देखो चंद्रमा हुआ, और पहला कृत्रिम उपग्रह अगर बोलेगा पृथ्वी भारत देश का, तो भारत देश का जो प्रथम पृथ्वी का जो प्रथम उपग्रह है प्राकृतिक उपग्रह, ये देखो भारत देश का आर्यभट्ट था, ठीक है, सबको ध्यान में रखेंगे। चलिए चंद्रमा हो गया यहाँ पर आपका प्राकृतिक उपग्रह। अगला सवाल देखो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या मिला है यहाँ पे कि अंतरिक्ष
यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, नीला, लाल, सफ़ेद या फिर काला? जो अंतरिक्ष यात्री है इसको आकाश का रंग कैसा दिखता है, जो अंतरिक्ष यात्री है इसको आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? चलो बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए, बहुत बार इंडियन आर्मी के द्वारा पूछा गया है, बहुत बार जो है आर्मी का परीक्षा में आया हुआ है। क्या होगा सही जवाब? अंतरिक्ष यात्री को जो है आकाश कैसा दिखाई देता है, एक जो अंतरिक्ष यात्री है इसको आकाश कैसा दिखेगा, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? तो एक जो अंतरिक्ष यात्री है इसको जो आकाश है यह देखो काला दिखता है। क्या हो गया सही जवाब? तो ऑप्शन डी हो गया। काला क्यों दिखता है? तो काला दिखता है देखो वायुमंडल ना होने के कारण, ठीक है। काला क्यों दिखता है? तो काला दिखता है वायुमंडल ना होने के कारण, ठीक है। चलो चलते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो यहाँ पर है आपका, ये आपको दिया हुआ है कि पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है, 0, 1, 2 या फिर 8। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कितना है, पृथ्वी का कुल कितना उपग्रह है? क्या होगा सही जवाब? पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? अगर आपने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया तो जल्दी सबको लाइक बटन दबाइए, इसके साथ साथ सभी लोग जल्दी से शेयर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ये सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कीजिएगा। तो पृथ्वी के उपग्रहों की संख्या कितनी है? तो यह देखो एक होता है, ठीक है। ये बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, पृथ्वी के एक उपग्रह हैं। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो आपको दिया हुआ है कि पृथ्वी की धुरी है, द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज झुकी हुई, क्षैतिज, वक्रीय, डी में है नन ऑफ दीज। पृथ्वी की धुरी कैसी है, पृथ्वी का जो धुरी है यह कैसा होता है, पृथ्वी का जो ऑर्बिट है यह कैसा है? क्या होगा सही जवाब? पृथ्वी का एक्सिस कैसा है, पृथ्वी की धुरी कैसी होती है? तो पृथ्वी की जो धुरी है, पृथ्वी की जो एक्सिस है यह देखो हॉरिजेंटल होती है, यह देखो क्षैतिज होता है। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, ये कैसा होता है, तो यह देखो क्षैतिज होता है। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे आपको मिला है कि पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है, बुध पे, बृहस्पति पे, शुक्र पे या फिर मंगल पे? पृथ्वी के अतिरिक्त वह कौन सा ग्रह है जहाँ पर देखो वायुमंडल स्थित है, पृथ्वी के अतिरिक्त वह कौन सा ग्रह है जिस ग्रह पर वायुमंडल पाया जाता है? चलिए बिल्कुल सही जवाब सबको आना चाहिए, जल्दी से करेंगे और बिल्कुल सही बताएंगे। पृथ्वी के अतिरिक्त किस ग्रह पर जो है देखो वायुमंडल पाया जाता है, किस ग्रह पर जो है वायुमंडल है? क्या होगा सही जवाब? तो पृथ्वी के अतिरिक्त जो वायु मंडल है यह देखो मार्स पे है। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल यहां पे देखो आपका दिया हुआ है कि लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह है बुध, बृहस्पति, शुक्र या फिर मंगल? लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, वह कौन सा ग्रह है जो कि देखो लाल रंग का दिखता है, लाल रंग का दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलिए बिल्कुल सही करेंगे और बताएंगे। लाल रंग का जो है कौन सा ग्रह दिखाई देता है, लाल रंग का दिखने वाला ग्रह कौन सा है? तो लाल रंग का जो ग्रह दिखाई देता है यह है देखो मंगल, बहुत बढ़िया। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, लगभग सबको मंगल की हो, बहुत बढ़िया, मंगल करने वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो 30 नंबर सवाल है यहाँ पे आपका, ठीक है। 30 नंबर सवाल देखो क्या दिया है कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है, फोबोस है, डिमोस है, चंद्रमा है या फिर गैनीमिड है? सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा होगा, हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही, सब लोग को करना है और बताना है। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन है? तो सौर मंडल का जो सबसे छोटा उपग्रह है यह देखो डिमोस होता है, ठीक है। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह देखो डिमोस होगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अच्छा ये किस ग्रह का उपग्रह है, अगर उस ग्रह का नाम पूछेगा जिसका ये उपग्रह है तो उस ग्रह का नाम याद रखना मंगल ग्रह के उपग्रह हैं, ठीक है। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, कुल दो उपग्रह हैं, एक होता है फोबोस, एक होता है डिमोस, और सबसे छोटा कौन है सौरमंडल में उपग्रह, तो डिमोस है, सबको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखिए दिया हुआ है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है, पृथ्वी है, डिमोस है, बृहस्पति है या फिर बुध है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बताना है कि सौरमंडल का जो है देखो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा, इस सवाल का सही जवाब क्या है? चलिए बिल्कुल सही जवाब देने की कोशिश करेंगे सबको और बताएंगे। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह क्या है? तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है यह देखो आपका क्या होता है, तो यह देखो बृहस्पति होता है, बहुत बढ़िया। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल पे बढ़ेंगे। अगला सवाल देखो क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिला है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, ठीक है। आपको जो है यहाँ पे देखो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह बताना है कि निम्न में से जो है देखो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह क्या होता है, फोबोस होता है, डिमोस होता है, अल्के होता है या फिर गैनीमिड होता है? सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह बताओगे, ठीक है, कि सौर मंडल का जो है सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, उसका नाम क्या है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा?
चलिए बिल्कुल सही जवाब सबको का जो है आना चाहिए। तो सौर मंडल का जो सबसे बड़ा उपग्रह है यह देखो गैनीमिड होता है, ठीक है। अच्छा गैनीमिड किस ग्रह का उपग्रह है, अगर ये पूछा जाएगा तो याद रखना है जो गैनीमिड है यह देखो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है, ठीक है। किसका उपग्रह है, तो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पे देखो दिया है कि नंगी आंखों से देखा जा सकने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन है, पृथ्वी, शनि, शुक्र या फिर बुध। नंगी आंखों से देखा जा सकने वाला जो है सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है, नंगी आंखों से जो हम लोग देखो सबसे दूर किस ग्रह को देख सकते हैं, नंगी आंखों से देखा जा सकने वाला सबसे दूर का ग्रह कौन सा है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, तो नंगी आंखों से देखा जा सकने वाला जो सबसे दूर का ग्रह है यह क्या है, तो यह देखो आपका शनि है, ठीक है। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही आया है, बहुत बढ़िया, बी वालों का आंसर बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पे दिया गया है कि सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है, पृथ्वी है, शुक्र है, शनि है या फिर बुध है। क्या होगा सही जवाब, सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। पिछला सवाल का सही जवाब क्या था, तो याद रखना है शनि था, ठीक है। नंगी आंखों से देखा जा सकने वाला सबसे दूर स्थित ग्रह शनि है। ये जो आपको सवाल दिया है कि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा, इसका जवाब क्या होगा, बिल्कुल सही सब लोग करेंगे और बताएंगे। ध्यान में रखिएगा कि इस क्लास का जो PDF है ये देखो आप सबको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, तो सबको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है या देखो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पे जाके सबको जुड़ जाइए। वहां पर जो है आपको देखो टेलीग्राम ग्रुप में ये वाला क्लास का PDF दे दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन है, तो यह देखो शनि होता है, ठीक है। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, सी वालों का आंसर बिल्कुल सही आया है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल देखेंगे। 35 नंबर सवाल है, देखो यह दिया हुआ है यहाँ पर, क्या सवाल है आपका कि किस ग्रह के चारों ओर अस्पष्ट वलय हैं, पृथ्वी का, शुक्र का, शनि का या फिर बुध का। वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर जो है वलय हैं, वह कौन सा ग्रह है जिसके चारों ओर जो है देखो आपका जो है अराउंड वलय है, जिसका चारों ओर जो है एक फोर्स पाया जाता है, एक अराउंड पाया जाता है। क्या होगा सही जवाब, तो वह ग्रह जिसके चारों ओर वलय हैं वह ग्रह कौन सा है, तो वह ग्रह है देखो शनि। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल यहाँ पर देखो मिला है आपको कि लेटा हुआ ग्रह के नाम से किसको जाना जाता है, हु इज नोन एज द रिकमेंडेंट प्लैनेट, पृथ्वी, शुक्र, अरुण या फिर बुध। क्या होगा सही जवाब, बिल्कुल सही जो है सब कोई को यहाँ पर करना और बताना है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, चलिए बिल्कुल सही जो है सब लोग यहाँ पर करेंगे और बताएंगे, ठीक है। चलो ये सवाल मैं इसके ऊपर सही कर रहा हूँ, किस सवाल पर हम लोग थे, तो हम लोग थे देखो यहाँ पर आपका सवाल था आपका देखो कि लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं, लेटा हुआ ग्रह के नाम से जो है किस ग्रह को जाना जाता है, लेटा हुआ ग्रह जो है कौन सा ग्रह कहलाता है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, चलिए बिल्कुल सही जवाब जो है सब कोई को देना है। तो जिनका भी एग्जाम 15 जनवरी को होने वाला है, अगर अभी तक भी हमारी ईबुक को बाय नहीं किया हो तो जल्दी से सभी लोग खरीद लेंगे। जो हमारी आर्मी की देखो नई ईबुक है वो आर्मी, जनरल ड्यूटी, ह्यूमन मिलिट्री पुलिस, ट्रेडमैन, क्लर्क सभी के लिए है। इसमें आपका 10 मॉडल पेपर इजी लेवल का है, 10 मॉडल पेपर टफ लेवल का दिया हुआ है और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है। ये आपको मिल रहा है मात्र 85 रुपए में। जिनको भी खास करके देखो मैथ और रीजनिंग में दिक्कत होगा वो इस किताब को जल्दी से बाई कर लेंगे, ये 85 रुपए वाला। अभी आपका जो 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था इसमें 20 में से 20 सवाल इसी किताब से देखने को मिला था, फुल सॉल्यूशन के साथ है हिंदी इंग्लिश में। तो सभी लोग इस ईबुक को बाई कर लेना, ये मिल रहा है आपको। आपको खरीदने के लिए क्या करना है, ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको पेमेंट करना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से, और फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे सेंड कर देना है व्हाट्सएप पे। एक और देखो ईबुक है, इस ईबुक से अभी जो आपका 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, इस ईबुक से जो है देखो अभी आपका जो एग्जाम लिया गया था 16 अक्टूबर को, 16 अक्टूबर का एग्जाम में और आपका 13 नवंबर का एग्जाम में, इस वाला ईबुक से 30 में से 28 सवाल आया था GS का। तो ये ईबुक देखो, यह जो ईबुक है ये आपके लिए है GD का, ये ईबुक GD का है। इसके साथ साथ ह्यूमन मिलिट्री पुलिस, ट्रेडमैन, टेक्निकल, नर्सिंग असिस्टेंट, क्लर्क सभी का है। इसमें आपका 3200+ GK GS क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में आता है और ये मिल रहा है आपको मात्र 90 रुपए में। तो ये दोनों ईबुक आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। खरीदने के लिए इसको भी यही करना है कि इसी नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से, फिर पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पर सेंड करना है। तो जितने भी लोग जो हो अभी एग्जाम देने वाले हो 15 जनवरी को, वो लोग इन दोनों ईबुक को जरूर बाई करोगे, क्योंकि इससे आपका 15 जनवरी का पेपर आराम से निकल जाएगा। और अभी जो है 13 नवंबर को देखो, अभी केवल 13 नवंबर की ही अगर बात करें तो अभी जो है आपकी 13 नवंबर को जो है बच्चों को इस ईबुक से 50 में से 48 सवाल देखने को मिला था इन दोनों ईबुक में से। तो सभी लोग इन दोनों ईबुक को जरूर बाई कर लेंगे। एक ईबुक है 90 रुपए का
एक ही बुक है 50 रुपये का, 90 और 85 देखोगे तो हो जाएगा आपका 175 रुपया, लेकिन अगर साथ में करोगे तो दोनों ई बुक आपको मात्र 150 रुपये में मिल जाएगा, केवल 150 रुपये में आप इन दोनों ई बुक को खरीद सकते हैं, आपके 25 रुपये कम लगेंगे। तो खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पर आपको पेमेंट कर देना है, और पेमेंट करने के बाद इसी नंबर पर आपको स्क्रीनशॉट सेंड करना है व्हाट्सएप पर, फिर जो ये ई बुक है ये PDF फॉर्मेट में आपके व्हाट्सएप पर भेज दिया जाए। तो लेटा हुआ ग्रह किसको कहते हैं, तो यह देखो अरुण का कहते हैं, बहुत बढ़िया। लेटा हुआ ग्रह कौन सा है, तो यह देखो अरुण है, बहुत अच्छा। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही आया है, बहुत बढ़िया। चलो चलेंगे अगला सवाल पे। अगला सवाल देखो यहाँ पे है, ये आपको दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो कि किस गैस के कारण अरुण ग्रह जो है हरा दिखाई देता है, मीथेन के कारण, एथेन के कारण, हाइड्रोजन के, अमोनिया के कारण, या फिर हाइड्रोजन के कारण, वह कौन सा ग्रह है जिसके कारण जो है देखो अरुण ग्रह हरा दिखाई देता है। सबको 1 बजे GKGS के क्लास में और शाम 7 बजे ओरिजिनल पेपर के क्लास में, ठीक है, सबको जरूर जुड़ेंगे। किस गैस के कारण अरुण ग्रह हरा दिखता है, तो यह देखो दिखता है मीथेन गैस के कारण। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ए वालों का आंसर बिल्कुल सही आया है, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल देखो क्या दिया है, ये सवाल है यहाँ पर देखो कि सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, बुध है, एथेन है, शुक्र है, या फिर पृथ्वी है। चलिए क्या होगा सही जवाब, सौर मंडल का जो है देखो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, बहुत बार ये वाला सवाल पूछा गया है, इंडियन आर्मी का पेपर में जो है बहुत बार आया है। ध्यान में रखिएगा कि इस क्लास के बाद जो है आप सबसे मिलेंगे सीधे शाम 7 बजे, और शाम 7 बजे जो है देखो हम लोग इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर बनाएंगे, ठीक है। तो सभी को जो है शाम 7 बजे का क्लास में जरूर जुड़ना है इस क्लास के बाद, और शाम 7 बजे जो है देखो हम लोग इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर बनाने वाले हैं, ठीक है। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो सौर मंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है यह देखो बुध होता है। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, यह क्वेश्चन है कि कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाती है, चंद्रमा, एथेन, शुक्र, या फिर पृथ्वी, वह कौन सा खगोलीय पिंड है जिसको देखो रात का रानी बोलते हैं, किस खगोलीय पिंड को जो है देखो रात का रानी कहा जाता है। इतना अच्छा क्लास चल रहा है, अगर आपने अभी तक भी लाइक नहीं किया तो जल्दी सबको लाइक करो, देखो इतना बेहतरीन आज का आपका क्लास हुआ है, जल्दी से जो है सबको लाइक कर लेना है, इसके साथ साथ सभी लोग जल्दी से शेयर कर देंगे अपने सभी दोस्तों तक, अपने सभी दोस्त तक, अपने सभी ग्रुप में इस क्लास को शेयर करके पहुँचा देंगे। इसके साथ साथ सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट रखिएगा। तो किस खगोलीय पिंड को रात की रानी कहते हैं, तो यह देखो कहते हैं चंद्रमा को। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। चलो अगला सवाल करने वाले हैं, अगला सवाल देखो 40 नंबर सवाल है यहाँ पर आपका, ये देखो आपको क्या दिया गया है, 40 नंबर सवाल देखो आपको मिला है कि किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है, विच कैलिस्टिकल बॉडी इज कॉल्ड द सन ऑफ द अर्थ, शुक्र को, बृहस्पति को, चंद्रमा को, या फिर मंगल को, वह कौन सा आकाशीय पिंड है जिसको देखो पृथ्वी पुत्र बोलते हैं, पृथ्वी पुत्र के नाम से जो है किस आकाशीय पिंड को जाना जाता है, पृथ्वी पुत्र जो है कौन सा आकाशीय पिंड कहलाता है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलिए बिल्कुल सही जो है सबको यहाँ पर जवाब देना और बताना है, पृथ्वी पुत्र किस आकाशीय पिंड को कहते हैं, क्या होगा सही जवाब, तो पृथ्वी पुत्र जो है यह देखो कहा जाता है चंद्रमा को, बहुत बढ़िया। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही आया है, बहुत अच्छे। चलिए बढ़ेंगे अगला सवाल पे, अगला सवाल देखो यहाँ पे है, ये आपको दिया हुआ है कि आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है, विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई, फेबोस, नन ऑफ दीज, नेबुला, या फिर सीरियस, निम्न में से जो है देखो आपका आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है, आकाश के सबसे चमकदार तारे के रूप में किसको जाना जाता है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब देंगे सबको और बताएंगे, आकाश का सबसे चमकदार तारा कौन सा है, क्या होगा सही जवाब, तो आकाश का जो सबसे चमकदार तारा है यह देखो सीरियस होता है। डी वालों का जवाब बिल्कुल सही आया है, बहुत बढ़िया, डी जो है आपका देखो सही जवाब होगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल देखो आपको क्या दिया हुआ है कि सबसे सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है, विच इज द फर्स्ट एस्ट्रॉइड डिस्कवर्ड, साइरस है, पलास है, जूनो है, या फिर वेस्टा है, सर्वप्रथम खोजा हुआ क्षुद्र ग्रह कौन सा है, सर्वप्रथम जो है देखो किस एस्ट्रॉइड को जो है ढूंढा गया, सर्वप्रथम खोजा हुआ क्षुद्र ग्रह कौन सा है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब सबको देंगे और बताएंगे, तो सर्वप्रथम खोजा गया जो क्षुद्र ग्रह है जो आपका यहाँ पर देखो कैलिस्टिकल बॉडी जो एस्ट्रॉइड है या देखो साइरस होता है, यह जो है सीरस होता है, ठीक है। ए वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला सवाल देखिए यहाँ पे दिया है, क्या सवाल है आपका, देखो क्वेश्चन है कि एक कैलेंडर वर्ष में अधिक से अधिक कितने ग्रहण हो सकते हैं, 5, 7, 9 या फिर 11, बताना है कि एक साल में जो है ज़्यादा से ज़्यादा कितना ग्रहण लग सकता है, क्या होगा सही जवाब। चलिए बिल्कुल सही सब लोग जवाब देंगे और बताएंगे कि एक कैलेंडर वर्ष में जो है देखो अधिक से अधिक कितने ग्रहण लग सकते हैं, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, ठीक है। सभी लोग टेलीग्राम
टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना। टेलीग्राम ग्रुप में जो है आपको इस क्लास का PDF मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाकर जो है सब लोग देखो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो एक कैलेंडर वर्ष में जो है देखो अधिक से अधिक 7 ग्रहण लग सकते हैं। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। अधिक से अधिक कितना ग्रहण लगेगा, तो 7 ग्रहण। चलिए अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन है आपका, देखो ये सवाल है कि किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं, विच प्लैनेट हैज द मोस्ट सैटेलाइट, बृहस्पति का, मंगल का, शनि का या शुक्र का। सबको को इस क्लास के बाद अब सीधे जुड़ना है शाम 7 बजे जो है देखो हम लोग इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर बनाएंगे, ठीक है। तो सभी लोग जो है शाम 7 बजे का क्लास में जरूर जुड़िएगा इंडियन आर्मी के ओरिजिनल पेपर का क्लास में। जो शनि ग्रह है इसके सर्वाधिक उपग्रह हैं, इसके जो है मोस्ट सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे, आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, 45 नंबर सवाल है आपका। इसके बाद बस एक सवाल और रहेगा और जो आपका ये क्लास है ये यहीं पे एंड हो जाएगा। क्या है देखो कि पृथ्वी की जुड़वा बहन कौन सी ग्रह है, विच प्लैनेट इज द ट्विन सिस्टर ऑफ अर्थ, बृहस्पति, शुक्र, शनि या फिर मंगल। क्या होगा सही जवाब, पृथ्वी की जुड़वा बहन के रूप में किसको जानते हैं, पृथ्वी का जुड़वा बहन जो है देखो किस ग्रह को बोला जाता है, पृथ्वी का जुड़वा बहन जो है कौन सा ग्रह कहलाता है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। चलिए बिल्कुल सही जवाब देंगे और सबकी बताएंगे, पृथ्वी का जुड़वा बहन कौन सा है, पृथ्वी का जुड़वा बहन कौन सा ग्रह कहलाता है, इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। पृथ्वी का जुड़वा बहन किस ग्रह को कहते हैं, तो यह देखो शुक्र ग्रह है जिसको जो है देखो पृथ्वी का जुड़वा बहन बोला जाता है। बी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा, शुक्र ग्रह को जो है देखो पृथ्वी का जुड़वा बहन बोलते हैं। चलिए अब आज का अंतिम सवाल है आपका 46 नंबर सवाल है। इस टॉपिक से आपका देखो कुल 46 सवाल निकलते हैं, 46 सवाल जो आपके यहाँ पे हो चुके हैं और मैंने एक्स्ट्रा में नोट भी करवाया है। तो आज जो है देखो आपका करीब करीब 55 प्लस क्वेश्चन जो हमने किया है, ठीक है। तो सबको को जरूर बताना है कि ये जो आपके 46 सवाल हुए इसमें से आप सबने कितने सवालों को सही किया, सबको जरूर बता दीजिएगा। और याद रखना है कि इस क्लास के बाद अब सीधे मिलेंगे आपसे शाम 7 बजे, और शाम 7 बजे जो है देखो हमारा इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर का क्लास आएगा, ठीक है। तो सभी लोग को जो है शाम 7 बजे के क्लास में जरूर जुड़ना है। चलिए जल्दी से जवाब देंगे, सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान कौन था। अगर आपने अभी तक भी क्लास को लाइक नहीं किया तो सभी का लाइक बटन जल्दी से प्रेस होना चाहिए, जल्दी सबको लाइक करिए। जितने भी लोगों ने अभी तक भी क्लास को शेयर नहीं किया तो किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी सबको शेयर करो, जल्दी से जो है अपने सभी दोस्तों तक पहुँचाओ। और जिन्होंने भी अभी तक भी क्लास को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट करेंगे। सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या मापने वाला विद्वान कौन था, तो ये देखो इरेटोस्थेनीज था, बहुत बढ़िया। सी वालों का जवाब बिल्कुल सही आया है, बहुत अच्छा कियो, सी वालों का जवाब बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। चलिए तो अब इस क्लास को, इस सेशन को यहीं पे एंड किया जाए। अब याद रखिएगा सी हो जाएगा इसका जवाब। और जितना भी लोग अभी तक भी लाइक नहीं किए हो तो बताओ किसका इंतजार कर रहे हो, इतना बेहतर क्लास हुआ है जल्दी सबको लाइक करिए, जल्दी से जो है सभी लोग लाइक बटन को प्रेस कर देंगे। जितने भी लोगों ने अभी तक भी क्लास को शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर करिए, अपने हर एक दोस्त तक जो इस क्लास को जल्दी से पहुंचाइए, अपने सभी फ्रेंड्स तक इस क्लास को लेकर जाइए। इसके साथ साथ सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आप सबसे मिलेंगे सीधे जो है देखो आज शाम 7 बजे जो है देखो हमारा इंडियन आर्मी का ओरिजिनल पेपर का क्लास आएगा। तो सभी लोग को जो है शाम 7 बजे जरूर जुड़ना है। अगर 15 जनवरी को आर्मी परीक्षा निकालना चाहते हो, अगर आपको है कि हमको जो है 15 जनवरी को अग्निवीर आर्मी परीक्षा निकालनी है, 50 में से 45 प्लस सवाल बनाने हैं, तो इन दोनों ईबुक को सभी लोग जरूर खरीद लोगे। दोनों ईबुक, एक है मात्र 85 रुपये का, एक है मात्र 90 रुपये का। अभी आपका 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को जो है देखो ये 85 रुपये वाला ई बुक में से 20 सवाल मैथ और रीजनिंग का आ गया था, तो जल्दी से सभी लोग बाई कर लेंगे जिनको भी मैथ रीजनिंग में दिक्कत होगा। ये जो ई बुक देख रहे हो 90 रुपया वाला, इससे अभी 30 में से जो है 28 सवाल आया था 13 नवंबर और 16 अक्टूबर को बच्चों के एग्जाम में, तो टोटल 48 सवाल जो है बच्चों का सही हो गया, 50 में से 48 सवाल केवल यही दो किताब पढ़ के। तो जितने भी लोगों का एग्जाम है 15 जनवरी को और आपको है कि मुझे आर्मी की वर्दी चाहिए, मुझे परीक्षा निकालनी है, तो सभी लोग जितने भी 15 जनवरी वाले हो इस ईबुक को जरूर बाई कर लोगे। ये एक देखो है 50 रुपये का, एक है 90 रुपये का, अलग अलग करोगे तो हो जाएगा आपका 175 रुपये, लेकिन अगर साथ में करोगे तो मात्र 150 रुपये में आप इन दोनों ईबुक को खरीद सकते हैं, केवल 150 रुपये में। 175 की जगह केवल आपको 150 रुपये पेमेंट करना है, 150 रुपये, 150 रुपीज़, फिर आपको ये ईबुक जो है मिल जाएगा। और बाकी अलग अलग लेना चाहो तो 50 रुपये में आपका 10 मॉडल पेपर इजी लेवल का है, 10 मॉडल पर टफ लेवल का है, और 5 अग्निवीर का ओरिजिनल पेपर है, मैथ ये सब सॉल्वड है, और एक है 3200 प्लस GK GS क्वेश्चन का, ये मिल रहा है मात्र 90 रुपये में। दोनों करोगे तो मात्र 150 में दोनों मिल जाएगा। खरीदने के लिए यही करना है कि ये जो नंबर दिख रहा है इसी नंबर पे आपको फोन पे, पेटीएम, गूगल पे कर देना है, और पेमेंट करने के बाद जो है पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपको इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे सेंड करना है, तो मात्र 150 रुपये में आप इन दोनों ईबुक को जो है खरीद सकते हैं। तो सभी 15 जनवरी वाले जरूर खरीद लेंगे।